जय जिनेन्द्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा श्री दुर्गा माता मंदिर के 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 26 अप्रैल 2022 को प्रातः हवन यज्ञ एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। जय माता दी। दोस्तों, 72 साल पहले जब इस तीर्थ की स्थापना हुई थी, उसी दिन एक सिद्ध पीठ की नींव रखी गई थी लुधियाना शहर में। भक्तों की श्रद्धा का आलम यह कि लाइनें लगी होती हैं भक्तों की मां के दर्शनों के लिए। मंगलवार को तो ऐसे लगता है जैसे पूरा शहर उमड़कर मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंच गया हो। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोगों को मन की उनकी मुरादें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा अभी श्री बीके गोयल जी ने बताया कि किसी भी अध्यात्म कार्य की पूर्णता सेवा के रूप में होती है, उसकी परिणति सेवा के रूप में होती है। मंदिर में जो भी श्रद्धालु दान दक्षिणा चढ़ावा देकर जाते हैं, ट्रस्ट उसका समाज के लिए उपयोग करता है। बहुत सी समाज सेवा की अलग अलग स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं। स्किल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे है, एजुकेशन के कार्यक्रम यहाँ पे हैं, जो माताएं जो विधवाएं हैं उनको राशन देने के कार्यक्रम यहाँ पे हैं। कहूँ कि जो भी संभव समाज सेवा के कार्य हो सकते हैं, ट्रस्ट उनको करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार निरंतर यहाँ पे हो रहा है। और ऐसे ट्रस्ट की जो बहुआयामी है, जो धार्मिक आध्यात्मिक समाज सेवा शिक्षा सभी कार्यों में अपना योगदान दे रहा है, और आप सबके सहयोग से, पूरे शहर वासियों के सहयोग से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस उत्सव में आप सब सभी शामिल हों, जो कि 26 अप्रैल 2022 को सुबह 8:15 से 9:15 बजे तक हवन यज्ञ रहेगा, और रात्रि में 8 से 10:30 बजे तक भजन संध्या होगी। यमुनानगर से डॉक्टर राजेश यूनिवर्स यहाँ पे पधार रहे हैं, लेकिन आप सबके आने से ही इस यज्ञ की पूर्ण आहुति मानी जाएगी। आप सबसे प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में शामिल हों, माँ भगवती का आशीर्वाद लें और इस नेक यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ डालकर इसे पूर्णता प्रदान करें। शुक्रिया। जय माता दी। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा मंदिर ट्रस्ट में 72वें दिवस पर विचार विमर्श करने का है कि इसको स्थापना दिवस को 72 में कैसे इसको ठीक ढंग से मनाया जाए और क्या क्या इसमें कार्यक्रम किए जाएं। आज की मीटिंग का यही मुख्य उद्देश्य है। और ये 72वें दिवस के लिए कैसे उसको मनाया जाए और कैसे उसको ठीक ढंग से प्रसारित किया जाए, ये 72वें दिवस ये मंदिर जब बना, इसमें धीरे धीरे इतनी ये तीर्थ स्थल सारे पंजाब का बना, लुधियाना का नहीं, यहाँ से ये शुरू हुआ, वहाँ धीरे 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 इसकी प्रगति होती गई। आज इस मंदिर में सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। नवरात्रे, हर नवरात्रे साल में 2 बार मनाए जाते हैं, और सामाजिक कार्यों का मेहंदी कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और तरह तरह के यहाँ कार्यक्रम होते हैं। 150-200 विधवा राशन को हर महीने राशन दिया जाता है, और इस मंदिर में एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल जो सेंट्रल एयर कंडीशन है, सब सुविधाओं से उपलब्ध है। ENT, गाइनी, आईज, देन डेंटल, सब तरह के यहाँ डिपार्टमेंट हैं, और बड़े अच्छे हमारे डॉक्टर हैं। माँ भगवती की कृपा से
ये अच्छा फल फूल रहा है। आज इसकी ओपीडी भी के करीब 200 है, जब ये शुरू हुआ था शायद ये 30-35-40 से हुआ था। अगर माँ भगवती का आशीर्वाद रहा तो ये मंदिर धीरे धीरे प्रफुल्लित करेगा। हमने ये एडिशनल लैंड 11 कनाला जो हमारे प्रीवियस सीएम थे वो दे गए हैं, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी पोजेशन लेके इसकी इंडोर फैसिलिटीज़ भी शुरू की जाए। सो मैं भगवती माँ से कृपा से ये सबको अनुरोध करूँगा कि ये 26 अप्रैल का जो दिन है मंदिर के 72वें उपलक्ष दिवस में, स्थापना दिवस में, सब बढ़ चढ़ भाग लें और इसी तरह माँ भगवती हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जिला परिषद लुधियाना हाउस की मीटिंग आज चेयरमैन यादविंदर सिंह जंडाली की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पहली बार नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए, जिनमें सर्वजीत कौर मानुके, मनविंदर सिंह ग्यासपुरा, तरनप्रीत सिंह सोंद, जीवन सिंह संगवाल, हाकम सिंह ठेकेदार, जगतार सिंह दयालपुरा, मनप्रीत सिंह अयाली और कुलवंत सिंह सिद्धू आदि शामिल थे। बैठक के दौरान एडीसी अमित कुमार पांचाल, डीडीपीओ संजीव कुमार, सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे, जिसमें वर्ष 2022-23 के लिए जिला परिषद लुधियाना और 13 ब्लॉक समितियों का लगभग 30,42,00,000 का बजट पारित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के लिए 100,13,00,000 रुपए की मनरेगा योजना का बजट सदन में रखा गया। साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान वर्ष 2022-23 की योजना पर विचार कर सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। लुधियाना से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जिला वैद्य मंडल द्वारा समाज में आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए काम कर रहे वेदों को राजस्थान आयुर्वेद सुधाला द्वारा सम्मानित किया गया और आयुर्वेद के प्रसार के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर वेदों को आ रही परेशानियों के बारे में बातचीत की गई। इस मौके आयोजकों ने बताया कि वेदों को आ रही परेशानियों को दूर करने के संभव प्रयास किए जाएंगे और आने वाले समय में आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए जगह जगह पर कैंप भी लगाए जाएंगे। जय श्री तलवंत्री, जय श्री आयुर्वेद जी। आज राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय वालों साढ़े सारे वैद्यों नूं अपने प्रोडक्टा बारे जानकारी दी गई। मैं अजे तक ये प्रोडक्ट वरते नहीं और हूँ मैं इन्होंने प्रोडक्टा नूं वरतांगा, क्योंकि मैं आयुर्वेद ही काम करदा। जिला वैद्य मंडल हुशियारपुर का इस वेले मैं प्रधान हाँ। जो भी वैद जिन्हें इकट्ठे किए गए ये सारे जिला वैद मंडल हुशियारपुर वालों आए थे और बहुत वधिया प्रोग्राम रहा। सारे वैदा असी पहले ही हदायत करते रहने भी तुम आयुर्वेद दवाइया वरतो। जो भी साढ़ी साल के 12 मीटिंग होंगे तो कोई 30-35 के हिसाब न फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं, तो असी हूँ इन्हों भी गल करा ये सानू अपनी मेडिसिन देन, जो असी मेडिकल कैंपा से वरत के उन्होंने रिजल्ट ला रिजल्ट चाहिए। वैद ने काम करना है, वैद को रिजल्ट चाहिए। उस रिजल्ट के आधार पर ही सब कुछ वैद को मुनसर है। जे उन्होंने पेशेंट जोड़े साढ़े को आते हैं ठीक हो गए कितने जिदा ही उस तरीके ही फिर इन्ह दवाइया का वाधा हों जाएगा। हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट साडा वैद मंडल जिला वैद मंडल ही ना है पर है साडा पंजाब का वैद मंडल, क्योंकि साढ़े पंजाब दे विच भी साढ़े हिमाचल दे विच भी साढ़े मेंबर साहबान काम करते हैं। हुशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। अमृतसर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाने तथा प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने डीजल ऑटो को ई ऑटो से बदलने वाले अमृतसर स्मार्ट सिटी के राही रिजर्वेशन ऑफ ऑटो रिक्शा इन अमृतसर शोहोलिस्टिक इंटरवेंशन प्रोजेक्ट तहत पहली ई ऑटो डिलीवरी विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा अमृतसर स्मार्ट सिटी के CEO तथा नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि की मौजूदगी में की गई। इस अवसर पर अमृतसर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने बताया कि AFD यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIOA की ओर से राही प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सबसे पुराने डीजल ऑटो को ई ऑटो से बदलने का अवसर दिया जाएगा और मंत्रालय फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी महिंद्रा को राही स्कीम के तहत इम्प्लांट किया गया है। जो भी ऑटो ड्राइवर पुराना डीजल ऑटो को बदलना चाहते हैं वह इम्प्लांट कंपनियों की डीलरशिप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए 75,000 रुपए की सब्सिडी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोन भी दिया जाएगा। राही प्रोजेक्ट के पहले ई ऑटो की जी डिलीवरी है वो कस्टमर जड़े ने उन्होंने दी गई है और महिंद्रा का जो शोरूम है इतने अज सरदार बहुत ही मानयोग साढ़े एम एल ए अमृतसर नॉर्थ डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह जी आईपीएस रिटायर्ड उन्होंने वालों की गई है और साढ़े लिए बड़े हौसलाफजाई वाली गल है कि अमृतसर के ई ऑटो की डिलीवरी शुरू हुई है। 12,000 ऑटोज का टारगेट है साडा कि असी ई ऑटोज कन्वर्ट करना है। 75,000 की सबसिडी जी है हर एक बेनीफिशरी जी दी जानी है। फ्रेंच डिवेलपमेंट एजेंसी फंड किया है, स्मार्ट सिटी मिशन वालों फंडिंग हुई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जी है कलाइंट है ऑटो ड्राइवर उन्होंने सहूलत है कि 75,000 रुपया जो उन्होंने सबसिडी मिलेगी। 15,000 रुपया जो है वह ए अपफ्रंट जी उन्होंने बैंक अकाउंट जाएगा। 60,000 की जी सबसिडी बैंक अकाउंट चलनी जो लोन अकाउंट है वो एक डिपोजिट बन जाना और 60,000 रिड्यूस करके लोन अमाउंट इंटरस्ट लगना। 15,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो जो ऑटो जो है असी एजेंसी जो लिया है उन्होंने पुराना ऑटो दिता जाना है। स्क्रैपिंग के पैसे 15,000 रुपए जो मिलने वो कुल मिला के 90,000 रुपए का जो फाइनेंशियल बेनीफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों पास आउट किया जाएगा जिद अमृतसर के वातावरण सुधार होगा। ऑटो ड्राइवर की जी लाइफ है वो भी जो बैटर होगी और ऑटो ड्राइवर जीडिया बेटियां या उन्होंने वाइफ जीडिया उन्होंने अभी स्किल डिवेलपमेंट फ्री देवे 4-4 महीने के कोर्स ने जो अभी स्मार्ट सिटी वालों दवावे वो फीस अभी पे करेंगे। अज फर्स्ट जो पहला ऑटो जो है डिलीवर किया और इस साल के एंड तक अभी तकरीबन 6,000 ऑटो डिलीवर करने की जी अभी टारगेट है और 30 जून तक तक 12,000 ऑटो जो अभी डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर थाना गेट हकीमों के पास उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक व्यक्ति के हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने जब इस युवक को बिजली के खंभों के तारों पर चढ़ता देखा तो उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली महकमे से बात कर इन तारों की बिजली कनेक्शन को बंद करवाया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को नीचे उतारा गया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह व्यक्ति बिजली के खंभों पर क्यों चढ़ा। कुछ लोगों का कहना था कि वह शराब न मिलने के कारण बिजली के खंभों पर चढ़ा था। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। व्यक्ति 95 फुट से ऊंचाई से चढ़ गया जिसका सानू पता नहीं, साढ़े हल्के का नहीं गा। इस बंदे नू पैसे धेले का लालच दे दिया थले आ जाए की समस्या भी पूरी करा जो भी है सानू दसे सही। एदा कोई कारण का पता नहीं लगता, मैं इन्ना पता लगा कोई ड्रिंक वगैरह कोई नशा वगैरह लिता हो नशे की लोड़ से चढ़ गया उपर चढ़िया सवेर के 8 बजे का उपर चढ़िया है और इनू अही एटो तक किया कि यह तेन पैसे दे देने 10-20 हज़ार रुपये का लालच दिता गया थले आ तेन पैसे दे देने हूँ थोड़ा थोड़ा थले उतर डे इंस्पैक्टर साहब थाना डी डिवीजन की पुलिस आई है वो लालच देने थले उतरे किसी तरीके लेकिन थोड़ा बहुत तो थले आ गया उम्मीद है थले आन की बाकी यदा पता नहीं है बेचारा कितों आया कितों नहीं है नशा किया हो नशे की लोड़ से चढ़ गया उपर। सानू जी खबर आई थी करीब 1-1.5 घंटा पहला भी एक अननोन परसन बिजली वाले टावर से चढ़ गया है। सब तो पहला असी बिजली महकमे नाल गल करके दी लाइट बंद करवाई है, उस तो बाद फिर पब्लिक के सहयोग नाल इनू मोटीवेट करके असी इनू हेठा उतारिया है ते हुण इह हेठा उतर आया है इनू लैके गए हैं जी असी पुछगिछ करदे हां इहदी की समस्या सी कारण की रिहा जी सर उत्थे चढ़दा नहीं कारण हाले तक हेठा उतार के असी इनू थोड़ा साइड ही कीता भीड़ तो जी है ना इनू पुछदे हां कल्ले विच नहीं पता जी हाले तक तां अननोन है जी पता करदे हां जी 180 रुपए दा कोई लैण देण है हाँ जी 180 रुपए का कोई लैन देन हो पहला जी हाले ओदा ए भी नहीं पता जी मतलब होश वाश विच हैगा या किसी नशे विच है वो चेक करदे हैं जी की हैगा नशा करता है कोई नहीं ए बारे कुछ कह नहीं सकते जी असीं शराब पीती हुई सी नहीं ए भी नहीं कुछ कह सकते जी भी हो सकता कोई दिमागी वो भी हो सकता है कोई मरीज भी हो सकता है हो सकता नशा किया होवे हो सकता उहदी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होवे ए हुण एक वारी उतर गया हेठा जी ते हुण असीं चेक करदे हां जी सर लोग कह रहे हैं पहले भी चढ़ता है इस तरह ही टावरां ते नहीं जी असं हाले तक वेरीफाई नहीं होया सानू चेक कर लैने असीं सर की इहदा कारवाई कीती जाएगी इहदे उत्ते जो बणदी कानूनी कारवाई कीती जाऊगी जी सर लगदा भी इहनां नूं देख के होर लोग भी चढ़न लोकां दा हौसला वधेगा देखो जी ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਪਰ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ।
अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। देश में लगातार ही ओमिक्रोन के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए अमृतसर की तो अमृतसर में भी लगातार ही इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद सरकारों द्वारा नए गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचने के लिए आपको फेस मास्क पहनना होगा। दिन के अंत में हमने अमृतसर के लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए ताकि हम इस घातक बीमारी से छुटकारा पा सके। सरकार ना अपने को पूरे जोरा शोरा नाल आम जनता नूं जे भीड़ भाड़ भड़कण दियां जनता हैगी आ हदायतां दिंदी है कि अपना बचाव आप करो, क्योंकि मास्क पाना बहुत जरूरी आ, पर जे तुसीं आप नहीं पाओगे तो तुहाडे बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी। कोई भी घर जाते हो अपने बच्चों नूं यह सलाह दिओ, वड्डियां नूं छोटियां नूं माँ बाप नूं कि मास्क पा के रखो, घर च होवो चाहे घरों बाहर हो, क्योंकि यह अपने लिए जरूरी है तो सब दे बचा लई जरूरी है। केस निकलने चालू हो गए तो लोगों को हदायत दी जाती है गवर्नमेंट वालों, आप भी समझदार लोगों को आप बनना चाहिए कि सैनिटाइजर की वरतों कर, हत्थां दस्ताने पा के रखन, मास्क जरूर ला के रखन, अपना बचाव तो सब का बचाव ऐसे ही होगा। लगता नहीं है थोड़े दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया कि हुण मास्क लाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हुण आम आदमी पार्टी वालों ला लो या मोदी सरकार वालों फिर हदायत देती है कि मास्क पाने जरूरी हो गए हैं, केस निकलने चालू हो गए हैं, कितना देखते जी? देखो जी, एक तरह का सरकार ने देख के क्या ही मास्क पाने की कोई लोड़ नहीं कि बीमारी जीरो हो गई, एकदम फेल हो गई, एकदम फिर बाहरों आने शुरू हो गए कोरोना के मरीज, तादाद दिन ब दिन वधदी जी आती है, गवर्नमेंट सलाह देती है सही पिछे देती है कि अपना बचाव आप ही करन जनता। हाँ जी भाई, की नाम अपना? सुरेंद्र वर्मा। हुण सरकार ने फिर कोरोना उत्ते गाइडलाइनस चालू कीतियां नवीं, मास्क पाना जरूरी कीता, कीवें वेखदे आ? देखो जी, अगर सरकार ने कहा मास्क पाना तो पाना चाहिए, ये कोई हर्ज नहीं है, ये अपनी सेफ्टी है, तो पब्लिक ने भी चाहिए, अगर कुछ केस बढ़ रहे हैं तो उसके बारे ध्यान देना चाहिए, ना कि लापरवाही करनी चाहिए है। अगर एक कोई कोरोना होंगे घर के बाकी जी परिवार के सदस्य नहीं हो सकता, ये कोई माड़ी गल नहीं हैगी, वास्ते टैस्ट भी जरूरी है, टैस्ट करा लेना चाहिए ता कि किसी को कोई शंका ना रह जाए भी ये कोरोना होया या नहीं होया। जिहड़े केस फैल रहे ने इहदा एकदम ही पता लगता है, अज इन्ने केस आ गए, अज इन्ने केस आ गए, अज तो 15 दिन पहला या महीना पहला कोई केस कोई नहीं सी आ रहा, जां उदों कोई इलैक्शन का दौर सीगा तां करके सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिता, तो इलैक्शन खत्म होने के नाल ही फिर करोना शुरू हो गया। यदि कोई समझ नहीं लगती है करोना की चीज़ है और किस तरह हो रहा है, बस अखबार से यो पढ़न नहीं मिलता कि अज 50 केस हो गए, अज इन्ने केस बन गए, इन्ने टैस्ट हो गए ने जी। जरूर करना चाहिए किसी भी मौके से, नहीं है इलेक्शन हैगी ध्यान करिए, अगर कोरोना हैगा तो चेक करना चाहिए वा और एहतियात करनी चाहिए। बई गल तो फिर उ आ जाती है ना कि सरकार की मर्जी ना हो रहा, जिस वे केस आ जाते या कर देंगे, जो जिमें पिछे कुंभ होया सी या इलैक्शन के रैलियां होंगे रही ने, दो दो चार चार सौ बंदे का कट हों, भी गलत चीज़ सगा भी ये करोना तो अज नहीं, इन लोंग टाइम वास्ते लेना चाहिए बंदे कि असी इनू बचाव करने वास्ते असी अपना बचाव ही करिए, मास्क पा के रखिए, थोड़ा जहा एहतियात रखो ता कि किसी होर नू भी ना हो। मैं तो यो तो कह रहा, ये सरकार की मर्जी है ना, आम पब्लिक की पता लगेगा, डॉक्टर साहब कह देते लो जी करोना आ गया, केस बढ़ गए ने, केस बढ़ने तो मास्क पा जरूरी हो गया, पर यह चीज़ गलत है, जहाँ तेन कॉन्टीन्यूड रखा जाए तो मास्क हर कहीं जरूरी है, तो मास्क जरूरी है, अपना अपना बचाव रखो, ये नहीं है इलैक्शन आईया रैलियां हो रहे ने, इन्ने कट हो रहे ने, उदो किसी कोई एहतियात नहीं होंगे, कोई जन ये सरकार जो मर्जी कर सकती है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना में एनी टाइम फिटनेस विश्व की प्रमुख जिम चेन है, जिसकी भारत में 100 से ज्यादा शाखाएं हैं। बता दें लुधियाना में इसके 3 जिम हैं।
एनी टाइम जिम चंडीगढ़ रोड ने अपनी तीसरी वर्षगांठ पर एक इवेंट का आयोजन किया, जिसका आयोजन जिम डायरेक्टर मनु ग्रोवर, गरिमा ग्रोवर, नवीन ग्रोवर और मीनू ग्रोवर द्वारा किया गया। इवेंट की शुरुआत बिंदिया डांस एकेडमी की बिंदिया सू द्वारा फन गेम्स और जिम्बा सेशन के साथ की गई, जिसमें उन्होंने जुम्बा, भांगड़ा और कई तरह की फन एक्टिविटीज भी करवाई। इस दौरान हेल्थ को लेकर कई तरह के टिप्स दिए गए कि हमें अपने आप को किस तरह से डाइट के माध्यम से फिट रखना चाहिए। सेशन के बाद एक केक कटिंग सेरेमनी, फन कंपटीशन और सदस्यों के लिए पुरस्कार एवं सम्मान समारोह भी रखा गया। आज हमने एक इवेंट रखा है, बेसिकली वी आर प्रमोटिंग ओनली फिटनेस कि लोगों को आज की डेट में फिट रहना चाहिए। हम इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते अपने आप को, मतलब फिटनेस के ऊपर इंडियंस हम देते हैं नंबर 10 कि देखते ही नहीं यार हमें फिट होना है, हमें मतलब डॉक्टर बोल देगा तब जाना है या डर होगा तभी हमने जिम जाना है, अदरवाइज हम नहीं जाते ना, हम सैर करते, हम सिर्फ अपने काम में बिजी हैं, अपने हर मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं देखते। तो बेसिकली हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि यार कुछ तो करो, उठो, फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। आज किस तरह का इवेंट रखा गया है? बेसिकली हम लोगों को न्यूट्रिशन डाइट के ऊपर ध्यान में रहा है। इवेंट जो बेस था कि हमें क्या हेल्दी खाना चाहिए, किस टाइम सोना चाहिए, कैसी हैबिट डालना चाहिए कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा रहे, हम अच्छे से डेली डेली हम अपना कैसे शेड्यूल। माय नेम इज़ गरिमा ग्रोवर, वी आर मैनेजिंग दी एनी टाइम फिटनेस लुधियाना ब्रांचेस। आज हमने यहाँ पे फिटनेस इवेंट किया है सेक्टर 32 लुधियाना में इस ब्रांच में, एंड इसमें हमने जूम्बा, भांगड़ा, डांस वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं, इवेंट्स वो कर रहे हैं। उसके अलावा हमने फिटनेस टिप्स दी लोगों को, अपने जिम के बारे में और चीज़ों के बारे में नॉलेज दी है कि कैसे अपने कैसे फिटनेस मेंटेन करनी चाहिए, कैसे फिट रहा जाए एंड कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए। तो हमारे यहाँ पे एनी टाइम फिटनेस 3 है लुधियाना में, एक हमारा सिविल लाइन्स में सराबा नगर एंड ये सेक्टर 32 में। आई होप कि आप लोगों को इवेंट की हाँ जी सर, इवेंट्स तो बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, तो हम लोग और जल्दी प्लान कर रहे हैं कि सून हम लोग और जल्दी जल्दी हर ब्रांच में इवेंट्स करें और मेंबर्स को मौका जस्ट जॉइन एनी टाइम फिटनेस ऑब्वियसली, एंड हेल्दीनेस की तरफ जाइए, फिटनेस की तरफ जाइए, फिटनेस को अपना मोटो बनाइए अपनी लाइफ में, एंड दैट्स इट। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर पूरे देश भर में फिर से दस्तक देने लगी है, जिसके चलते आज मोगा के सरकारी अस्पताल में एक केस की पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर हतिंदर कौर की तरफ से की गई। वही जानकारी देते हुए मोगा सिविल सर्जन डॉक्टर हतिंदर कौर ने कहा कि पूरे देश में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है, मोगा में एक केस की पुष्टि की जा चुकी है, हमारे तरफ से पूरी सावधानी की जा रही है, जो छोटे बच्चे 12 साल से लेकर के 14 साल और 14 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है और सभी को तकरीबन पहली डोज लग चुकी है और प्रशासन की तरफ से जो भी हिदायतें आई हैं उनका पालन किया जा रहा है। कोविड दे जिस तरह तुम्हें पता है कि पिछले 3-4 दिन दे विच देश दे विच भी ते पंजाब दे विच भी केसेस जेड़े हैं वो स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं, ते अपने भी काफ़ी दिनों बाद 2-3 हफ्ते बाद कल एक कोविड का केस पॉजिटिव आया है और दोनों कोई सिम्टम्स नहीं हैं। सो जिस तरह की प्रडिक्शन है कि शायद फिर अपनी जड़ी वेव हैगी है वो आएगी, तो उस दे लई जेड़े वैक्सीनेशन हैं वो जिवें जिवें सरकार दी गाइडलाइनस आंदी हैं उस हिसाब नाल अपना वैक्सीनेशन चल रहा है, जिवें फर्स्ट डोज दे विच आपां ऑलमोस्ट सारे पिंड ही कवर कर ले हैं, सारे सरपंचा ने डोली दिया भी नहीं लिख के दे देता है कि साढ़े जी 100% कवरेज होगी। SMOs ने भी कुछ लोग हो रह गए हैं जिन्होंने कि एक्चुअली जिन्होंने ना की है कि असी वैक्सीनेशन नहीं लगाना, उस तो बाद जेडे 15-17 हैं 12-14 बच्चे हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन असी स्कूलों के चल रही है, ऑलमोस्ट मतलब 66% फर्स्ट डोज लग गई है, 36% बच्चों के भी सैकेंड डोज लग गई है। सो वैक्सीनेशन की जी कवरेज है वो असी जिस तरह गाइडलाइनस आते अपनी चल रही है, बाकी जे रब ना करे जे दाखिल मरीज भी आने लग गए वो संबंधी भी साढ़े जोड़े बैड हैं डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल के CHCs के ऑक्सीजन वाले बैड वो भी असी रेडी जरूर रखे हुए हैं, तो जे लोड़ पई तो असी अपनी जी सारी सेहत की व्यवस्था है वो असी प्रॉपर ढंग तैयार रखी।
नवीं गाइडलाइनस के हले सिर्फ इन्ना ही आया है कि जिमें पहला उन्होंने मास्क का मैंडेटरी होना चाहता सीगा इनडोर क्राउडेड प्लेसिस के हूँ दोबारा तो मास्क दिया गाइडलाइनस ही आई हैं सेहत विभाग में हले इस संबंधी कोई गाइडलाइन। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।